जमुआ विधायक केदार हाजरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सभी विकास से संबंधित सभी योजनाओं को ग्रामीणों के बीच रखा। जमुआ प्रखंड अंतर्गत आने वाले ग्राम कारोडी में भारत विकसित संकल्प यात्रा संपन्न हुआ। संकल्प यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए विकास एवं योजनाओं के बारे में वहां उपस्थित ग्रामीण और पंचायत कर्मियों को जानकारी दिया। वहां उपस्थित जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा ने मोदी जी के सभी महत्वपूर्ण योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयास से महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर वितरण कर महिलाओं को हो रहे परेशानियों से दूर किया गया एवं घर घर शौचालय बनवाने का काम किया। इतना ही नहीं, माननीय जमुआ विधायक केदार हाजरा ने अपने क्षेत्र में बिजली, पानी एवं सड़कों की समस्या को दूर करने जैसे समस्याओं को गिनाते हुए सभी उपस्थित ग्रामीण जनता के बीच रखा और वहां उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के बीच समस्त भारत संकल्प यात्रा के तहत सभी ने शपथ भी लिया। इस कार्यक्रम में जमुआ प्रखंड के एई आकाश कुमार, मनरेगा कर्मी उमेश कुमार, कारोडी पंचायत की मुखिया कुंती देवी एवं पंचायत समिति रीतलाल यादव और जेएसपीएल कर्मी एवं जल सहिया एवं समस्त ग्रामीणों ने भाग लिया और माननीय विधायक केदार हाजरा को कुछ महिलाओं को गैस सिलेंडर भी वितरण किए। भारत मोदी जी का सपना है जो उसे हम लोग सभी मिलकर पूरा भारतवासी पूरा करने का प्रयास करेंगे और हमारे ग्राम पंचायत कारोडी में उपस्थित माननीय विधायक श्री केदार हाजरा जी, हमारे बड़े भाई कमेश्वर जी, अशोक बाबू पंचायत समिति सदस्य जी, हमारे पूर्व मुखिया महेंद्र जी, राजेश जी, चुनू बाबू और ब्लॉक से चल के आए हुए कोऑर्डिनेटर उमेश जी, मास्टर साहब, सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूँ और आगे की कार्रवाई जो मोदी जी का सपना है मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। हलुआ अनिवार्य कर दिया है कि आप हफ्ता में दो दिन मड़ुआ का हलुआ आपको खिलाना है। आप बता दीजिए, मड़ुआ मिलता नहीं है, मड़ुआ का कीमत आज 40 रुपये किलो है। मास्टर साहब यहाँ बैठे हैं, 40 रुपये में भी नहीं मिल रहा है, इसलिए लोगों को उसी ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है देश के प्रधानमंत्री कि आपने जो पूर्वजों का चीज छोड़ दिया है उसको आप करिए और उससे आप रोजगार सृजन करिए, उससे आप पैसा कमाइए। आप कभी कल्पना किए थे मड़ुआ 40 रुपये किलो मिलेगा? मड़ुआ 40 रुपये किलो मिलता है, लेकिन जब यही आटा आप जाएंगे टारको में लेने तो कहता रागी का आटा है 95 रुपये किलो। अब समझ लीजिए, वो आटा 95 रुपये, अगर आप 20 महिलाएं अगर मड़ुआ आटा बना करके बाजार में बेचते हैं अपना मार्क दे करके, तो आपका रोजगार हुआ कि नहीं? आज हमारी बहनें समूह के माध्यम से पैसा लेता है, ग्रुप लोग कहता है ग्रुप, देश के प्रधानमंत्री ने उसको मिनी बैंक के रूप में गांव में भेजा, गांव को शहर बनाने के दृष्टिकोण से। आप पैसा निकालने के लिए बाजार मत जाइए, आप घर में ही पैसा आपके पास जा रहा है। आप देखिएगा काम का दिन रहेगा, आपको छोड़ करके 5 महिलाएं यहाँ बैठ गया, ग्रुप में बात हुआ और वो अपना पैसा लेकर के अपने बाल बच्चे के लिए फीस आपसे नहीं मांग रहा, वो अपने फीस देगा। तो एक तो मेरा घर संवर गया, बेटे का फीस मिल गया, क्योंकि पुरुष लापरवाही होता है, 30 तारीख को देना है, उसको पैसा मांगेगा, देवे नहीं करेगा तो उसके सूटकेस में रख के पैसा रहता है। ये आज वहाँ तक चला गया। कल हम बिजली के लिए तरसते थे, आज मोदी जी के कारण घर के बगल में ही पावर सब स्टेशन है, घर के बगल में ही पावर है, जैसे ही लाइन कटता है 20 को फोन जाता है, लैनिया दे दो, लैनिया दे दो। ये नहीं होता था आज से 20-25 साल पहले। आज से 20 साल पहले इस एरिया में बिजली के लिए हम लोग तरसते थे कि बिजली का लाइन कहाँ से आए। आज आप ये सड़क देख रहे हैं, हम लोग देखे हैं, इस पढ़ने जाते थे 80 में एक एडमिशन लिए थे तो नदियों में पुल नहीं था, साइकिल जाते थे लेकिन उधर से लेटा के लौटते थे, पता नहीं चलता था कि हम कॉलेज के स्टूडेंट। आज हमारा हाथ यहीं देते हैं, गाड़ी पर बैठ के सीधे गिरिडीह चलते हैं। अब तो गिरिडीह भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हम लोग यहीं संजय घर पैसा निकाल लेते हैं, चितरडी भी नहीं जाते हैं। ये डिजिटल का कमाल है। मोदी जी ने कहा कि डिजिटल इंडिया,
आज देखिए मोबाइल के माध्यम से आप पेमेंट ले दे रहे हैं, और दुनिया के देशों में आज भारत एक नंबर में, 200 देश है, प्रजातांत्रिक देश 200 है, उसमें भारत एक नंबर में डिजिटल लेन देन में है। जो जहां से मोबाइल शुरू हुआ जापान, रूस, अमेरिका, वो पीछे हो गया, हम आगे बढ़ गए।